हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं विपुल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो के अंदर। बच्चों, आज का जो सेशन है बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि हम देखेंगे बच्चों इतिहास के क्रम में मध्य एशिया से संपर्क। क्योंकि हमने जितना भी इतिहास पढ़ा है उसमें कहीं ना कहीं भारत के शासकों के बारे में पढ़ा है बच्चों, लेकिन अब जो पढ़ने जा रहे हैं बच्चों वो है मध्य एशिया से आए शासक जो कि भारत में, भारत की संस्कृति में विलीन हो गए, उन शासकों के बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, ठीक है ना। तो उन शासकों का जो क्रम होने वाला है बच्चों, ज़्यादा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले अगर हम देखेंगे कि मध्य एशिया से यूनानी आते हैं बच्चों, ठीक है ना, यूनानी, और इन्हीं को ही हम हिंद यूनानी भी कहते हैं, याद रखिएगा। यूनानियों के बाद जो है शक आते हैं बच्चों, जिनको हम सीथियन भी कहते हैं। शक के बाद पार्थियन आते हैं, जिसे हम भारत में पहलव कहते हैं बच्चों, ठीक है ना, पहलव, याद रखिएगा। और इसके बाद बच्चों आते हैं आपके कुषाण, ठीक है, इसके बाद जो है कुषाण वंश आते हैं। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, इनका जो क्रम है वो एक एक करके पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम या आपके जो कंपटीशन एग्जाम में इनसे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सारे क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे लिखवाने वाला हूँ, पूरा एक कहानी के रूप में बच्चों, ठीक है ना। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बच्चों हमें समझना ये पड़ेगा कि मध्य एशिया से ये जो जनजातियां हैं वो क्यों हमारे भारत की तरफ आई, क्यों इस प्रकार से सारी की सारी जनजातियां जो है भारत की तरफ आकर्षित होती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक मैप के थ्रू मैं समझाना चाहूँगा, जरा ध्यान दीजिएगा। ये है हमारा भारत, ठीक है बच्चों, ये हमारा बेटा क्या है, भारत है। और जरा ध्यान दीजिएगा चित्र पर थोड़ा सा, यहाँ देखिए, ठीक है। अगर हम भारत के मैप पर जरा ध्यान दे के जाएँ बेटा, ठीक है ना, और यहाँ से देखने का प्रयत्न करेंगे तो हमें समझ में आएगा किस प्रकार से जो है यहाँ पे बाहरी आक्रमणकर्ता आते हैं हमारे यहाँ, ठीक है ना। जा ध्यान दीजिएगा, ये है अभी इस समय का भारत, हो सकता है कि चित्र में इधर दो हो, हाथ से बनाया गया चित्र है, आप ध्यान से देखिएगा। अब देखेंगे बच्चों कि हमारा जो पूरा का पूरा संपर्क है वो पहले भारत हमारा ऐसे नहीं था, बल्कि ये वाली जो सीमा थी वो लगभग यहाँ तक फैली हुई थी, जो आज का पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, कह सकते हैं कि वहाँ तक ये वाली पूरी की पूरी सीमा फैली हुई थी बच्चों। और यहाँ पड़ जाता है बच्चों आपका हिमालय पर्वत, याद रखिएगा, यहाँ पड़ जाता है आपका हिमालय पर्वत। अब एक बात आप सभी को सोचना होगा कि ये मध्य एशियाई जनजाति भारत की तरफ आने पर मजबूर क्यों हुए, या भारत की तरफ आने के लिए द्वार क्यों खुल गया। तो आप देख पाएंगे कि मध्य एशिया में कह सकते हैं कि अफगानिस्तान की जो एरिया था बच्चों, अफगानिस्तान की जो सीमा थी उस पर जो है सेल्यूकस निकेटर का राज हुआ करता था बच्चों, ठीक है ना, सेल्यूकस निकेटर का, यानी ये वाला जो एरिया है बच्चों यहाँ पे सेल्यूकस निकेटर का राज हुआ करता था। लेकिन सेल्यूकस निकेटर जब मर जाता है उसके जो उत्तराधिकारी आते हैं वो इतने सक्षम नहीं थे जो अपने राज्य को बचा सके बच्चों, ठीक है। और इसी कारण क्या होता है, यूनानियों का हमला होता है इनके ऊपर, और यूनानियों ने पार्थिया में अपना साम्राज्य बसाते हैं, पार्थिया में। और ये पार्थिया है कहाँ, ईरान से सटा हुआ एक भाग था, ईरान और बैक्ट्रिया सटा हुआ एक पार्ट था बच्चों, जिनको हम पार्थिया कहते हैं। और पार्थिया में आकर के यूनानियों ने क्या किया बच्चों, अपना डेरा जमाया, ठीक है। यूनानियों ने पार्थिया में, याद रखिएगा यहाँ पे, ठीक है ना, पार्थिया, पार्थिया में इन्होंने क्या किया, अपना डेरा जमाया। लेकिन उसी समय क्या है, मैंने आपको बताया कि जब मौर्य में, मौर्य साम्राज्य चल रहा था और अशोक का काल था बच्चों, तो अशोक के काल के समय में यहाँ पे चीन की दीवार खड़ी हो चुकी थी बच्चों, ठीक है ना। यहाँ पे चीन ने अपनी एक बहुत लंबी दीवार बना दी थी। कारण क्या था, कारण बच्चों केवल ये था कि यहाँ पे जो विदेशी आक्रमणकर्ता है, या फिर कह सकते हैं जो सीथियन है, सीथियन जिनको हम भारत में आने के बाद शक कहते हैं बच्चों, इन शकों के लिए जो है ना, आप देख पाएंगे कि ये वाली जो चीन की दीवार है, ये वाली जो चीन की दीवार है इनके लिए ही खड़ा की गई थी बच्चों, ठीक है। हो सकता है कि आपको ऊपर दिख ना रहा हो, मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, ठीक है ना, थोड़ा सा मैं नीचे इसको बनाता हूँ। यहाँ पे आप मान लीजिएगा कि ये क्या है बेटा, चीन की दीवार है, ठीक है ना। और चीन की दीवार में जो है, इधर चीन की तरफ आने के लिए जो सीथियन थे वो क्या थे बच्चों, सक्षम नहीं थे, याद रखिएगा, सीथियन, ठीक है ना, सीथियन, जो सीथियन थे बेटा ये जो है वो इधर तो जा नहीं सकते थे। और इसलिए क्या किया इन्होंने, इन्होंने हमला किया किसके ऊपर, यूनानियों के ऊपर। और यूनानी क्या किए कि सीथियन के डर से बच्चों इन्होंने अपना जो है पूरा का पूरा ध्यान अब भारत की ओर चलने में चल दिया इन्होंने, ठीक है ना बच्चों।
जरा ध्यान से समझिएगा इन सारी चीज़ों को, क्योंकि समझना है मैप के द्वारा। अगर एक बार समझ जाते हैं तो पूरी कहानी आपके लिए क्लियर हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे पड़ता है बेटा अफगानिस्तान से जब आप ऊपर से आएंगे तो यहाँ पे एक हिंदू कुश पर्वत है बच्चों, ठीक है ना, याद रखिएगा हिंदू कुश, ठीक है ना, हिंदू कुश, हिंदू कुश पर्वत को जो है पार करके बच्चों ये क्या होते हैं भारत में एंटर करते हैं। लेकिन भारत में एंटर करना इनके ऊपर मजबूरी क्यों बना, क्योंकि ये जो सीथियन थे वो इसके ऊपर दबाव डाले, क्योंकि जो सीथियन थे बच्चों वो चाइना की तरफ बढ़ नहीं सकते थे, क्योंकि चाइना की जो है दीवार खड़ी हो गई थी, जिसके कारण से ये जो है वो दबाव बनाते हैं किसके ऊपर, यूनानियों के ऊपर, और यूनानी जो है पार्थिया छोड़कर के बच्चों वो एंटर करते हैं भारत के अंदर, याद रखिएगा। और एक चीज़ यहाँ पे आपको इनके बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है, यदि हम यूनानियों के बारे में पढ़ रहे हैं तो समझ जाइएगा कि भारत पर पहला आक्रमण जो है यूनानियों के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आप यहाँ से याद रखिएगा, भारत पे पहला आक्रमण यूनानियों के बारे में पढ़ रहे हैं बेटा, यूनानी, ठीक है ना, इनको हम हिंद यूनानी भी कहते हैं, हिंद यूनानी भी कहते हैं बेटा। तो यूनानियों के द्वारा भारत पे पहला आक्रमण, ठीक है, पहला याद रखिएगा, भारत पर पहला विदेशी आक्रमण, पहला विदेशी आक्रमण बच्चों, ठीक है ना, पहला विदेशी आक्रमण याद रखिएगा, पहला विदेशी आक्रमण हिंद यूनानियों के द्वारा ही किया जाता है। और इसके संबंध में बेटा एक बात और याद रखिएगा, दूसरा चीज कि इन्होंने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए, यूनानियों ने क्या बच्चे, सोने के सिक्के, सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए, बेटा, ठीक है ना, सिक्के जारी किए याद रखिएगा, सबसे पहले सोने के सिक्के इन्होंने जारी किए। दूसरी चीज़ अगर आपको याद रखनी होगी इनके बारे में तो आप समझ सकते हैं कि इसका जो सबसे प्रमुख, इनका जो सबसे प्रमुख जो राजा था वो था मिनांडर बच्चों, ठीक है ना, यानी कि यूनानियों का जो सबसे विख्यात राजा हुआ बच्चों वो मिनांडर हुआ, ठीक है ना, मिनांडर, यही वो मिनांडर है जिसे पुष्यमित्र शुंग ने हराया था। ब्राह्मण कह सकते हैं कि एक ब्राह्मण वो राजा था और उसने क्या किया, मिनांडर को हराया था बच्चों, याद रखिएगा। जब मैंने आपको पढ़ाया था शुंग वंश, उसमें मैंने बताया था कि हिंद यूनानी शासक जो मिनांडर था इसको हराने वाला कौन था, तो इसको हराने वाला पुष्यमित्र शुंग था। क्वेश्चन पूछ सकता है, वो मैं लिखवा चुका हूँ। अब याद रखिएगा, जब मिनांडर आता है भारत के अंदर, या कह सकते हैं कि पूरे के पूरे उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में आता है बच्चों, तो ये आता है लगभग 165 से 45 ईसा पूर्व के अंदर, ठीक है बच्चों, 165 से 145 ईसा पूर्व ये रहता है। और इसने अपनी जो राजधानी है, अपने राज्य की जो राजधानी है बच्चों, जरा ध्यान दीजिएगा, राजधानी ये सकल बनाता है, सकल में। अब आप सोचेंगे ये सकल क्या है, सकल कौन सा स्थान है, जो आज का बच्चों सियालकोट है ना, जो आज का सियालकोट है वो उस समय का क्या था, सकल हुआ करता था। इसलिए कह सकते हैं कि मिनांडर ने अपनी जो राजधानी बनाई बच्चों वो कहाँ बनाई, सकल के अंदर बनाई, सकल के अंदर, याद रखिएगा। एक चीज और याद रखना है आपको यहाँ पे, चौथा चीज कि यहाँ पे मिनांडर को बौद्ध धर्म की शिक्षा कौन देता है, वो देते हैं नागसेन, ठीक है बच्चों, मिनांडर को बौद्ध धर्म की शिक्षा, ठीक है, मिनांडर को बौद्ध धर्म की दीक्षा, ठीक है ना, बौद्ध धर्म की दीक्षा, ठीक है, दीक्षा कौन देता है बेटा, वो देते हैं कौन, नागसेन, और इन्हें कभी कभी नागार्जुन भी कहा जाता है। और याद रखिएगा एक सबसे महत्वपूर्ण चीज, और यहाँ पे आप याद रखेंगे सबसे महत्वपूर्ण, मिलिंद पन्हो, याद रखिएगा, मिलिंद पन्हो एक ऐसी पुस्तक है जिसे किसने रचा है, नागसेन ने, बहुत सारे लोग कहते हैं नागसेन ने रचा है। और इसमें है क्या, इसमें बच्चों मिनांडर, इसमें जो है मिनांडर और नागसेन का वार्तालाप है बच्चों, नागसेन का क्या है बच्चों, इसमें वार्तालाप है मिलिंद पन्हो पुस्तक के अंदर। यानी मिनांडर ने बौद्ध धर्म से जुड़े जो भी सवाल पूछे हैं उसके उत्तर किसने दिया, नागसेन ने दिया, और इनके उत्तर और प्रश्नों का जो एक कह सकते हैं संकलन है वो मिलिंद पन्हो के अंदर मिलता है बच्चों, ठीक है।
तो इतना चीज़ जो है आप यूनानियों के बारे में तो याद रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाने वाला फैक्ट है, तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है। पहला चीज़, भारत पर पहला आक्रमण किया इन्होंने और सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए। मिनांडर इनका एक विख्यात राजा था जो कि 165 से 45 ईसा पूर्व आया था और कह सकते हैं कि राजधानी सकल में बैठाया सियालकोट के अंदर। दूसरा, मिनांडर को बौद्ध धर्म की दीक्षा नागसेन के द्वारा दी गई। और पांचवा आप याद रखेंगे, मिलिंद पन्हो, मिनांडर और नागसेन के वार्तालापों का इसमें चर्चा किया गया है। यहां तक मुझे लगता है कि यूनानियों को आप बस इतना ही जानिए, इतने बारे में 5 फैक्ट आप जानिए और इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम चलते हैं यहाँ पे शकों की तरफ, ठीक है ना। अब देखते हैं सीथियन या जिनको हम शक कहते हैं वो जब भारत में आते हैं तो उनका प्रभाव भारतीय संस्कृति पे, भारत के ऊपर किस प्रकार से पड़ा, जरा ध्यान से हम देख लेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए शक अब जरा ध्यान से देखते हैं। जो सीथियन थे बच्चों, जब उन्होंने क्या किया, पार्थिया से इनको वापस ढकेल दिया यूनानियों को और खुद अपना साम्राज्य यहाँ पे कह सकते हैं कि बना लिया। अब ये धीरे धीरे क्या होने लगे बच्चों, ये धीरे 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 क्या होने, भारत की तरफ बढ़ने लगे और हिंदू कुश पर्वत को पार करके ये भारत की तरफ आने चालू कर दिए बच्चों। अब याद रखिएगा, ये जितने भी शासक आए थे ये सारे शासक जो है बच्चों कहीं ना कहीं अपनी ही संस्कृति में या भारत की संस्कृति में इन्होंने अपनी सारी सभ्यताओं को विलीन कर लिया, ठीक है। जो भी आए भारतीय संस्कृति से मिले और भारतीय संस्कृति के ही हो लिए बच्चों, ठीक है। अब देखिए, अब हम बात करेंगे यहाँ पे शकों की, ठीक है। शकों को देखते हैं यहाँ पे आके इनके बारे में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे बच्चों, ठीक है ना। इन्हें ही बेटा क्या कहते हैं, सीथियन कहते हैं, याद रखिएगा इनको ही सीथियन कहते हैं, सीथियन कहते हैं, ठीक है। और इन्हीं के इन्हीं से बचने के लिए, कह सकते हैं इनसे बचने के लिए यायावर साम्राज्य वगैरह की जो आक्रमण थे मंगोलिया वगैरह के, उनसे बचने के लिए चाइना की दीवार जो है खड़ा की गई थी और इसके प्रभाव की वजह से क्या हुआ, ये सारे आक्रमणकर्ता जो थे वो भारत की तरफ अग्रसर हुए, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं यहाँ पे, जरा ध्यान दीजिएगा, जब शक भारत में आते हैं बच्चों तो इन्होंने सबसे पहले अपने राज्य का केंद्र बनाया बच्चों, जहाँ से ये राज्य करने वाले थे इन्होंने लगभग 5 केंद्र बनाए। ये मुख्यतः अफगानिस्तान से शासन करते थे और उस समय भारत का ही हिस्सा अफगानिस्तान हुआ करता था और कह सकते हैं कि इन्होंने 5 केंद्र बनाए। कितने केंद्र बनाए बच्चों, 5 केंद्र बनाते हैं और ये 5 केंद्र कौन कौन से थे जरा याद रखिएगा। पहला केंद्र था इनका बच्चों अफगानिस्तान में, ठीक है ना, अफगानिस्तान, ठीक है अफगानिस्तान। और दूसरा केंद्र था बच्चों यहाँ पे तक्षशिला, तक्षशिला के अंदर। और तीसरा आप कह सकते हैं कि मथुरा के अंदर था बच्चों, ठीक है ना, मथुरा के अंदर था। चौथा आप कह सकते हैं इनका जो केंद्र था वो पश्चिम, कह सकते हैं कि भारत पश्चिम भारत में था बच्चों, ठीक है ना, पश्चिम भारत में, ठीक है ना, पश्चिम भारत के अंदर। और कह सकते हैं कि जो पांचवा था आपका, पांचवा आप यहाँ लिख लीजिएगा, दक्कन के क्षेत्र में था बच्चों, ठीक है ना, दक्कन के क्षेत्र में, दक्कन में, ठीक है ना, दक्कन के क्षेत्र में जो था पांचवा इनका केंद्र था। मतलब इन्होंने शासन करने के लिए लगभग 5 केंद्र बनाए, 5 केंद्रों के माध्यम से इन्होंने क्या किया, अपने शासन को इन्होंने थोड़ा सा कह सकते हैं कि अलग रूप देने का प्रयास किया। लेकिन याद रखिएगा एक घटना यहाँ पे शकों से, कि ये जब शक जो है ना उज्जैन की तरफ चलते हैं, उज्जैन में जब जाने का प्रयास करते हैं तो उज्जैन का एक शासक था, ठीक है बच्चों, उज्जैन का बच्चों, उज्जैन का एक शासक था जिसको बहुत सारे इतिहासकारों ने कुछ अलग अलग नाम से पुकारा, इसलिए मैं उसका नाम यहाँ नहीं बताऊंगा, नहीं तो बच्चों के दिमाग में कन्फ्यूजन आ जाता है, कोई एक नाम जो है उसका परफेक्ट नहीं है, ठीक है बच्चों। तो आप यहाँ पे देखेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा, अब सुनिए यहाँ पे, अगर हम बात करें उज्जैन की, तो उज्जैन का जो शासक था उसने शकों को दौड़ा दौड़ा करके मारा। और कब मारा बच्चों, याद रखिएगा ये शकों को मारता है दौड़ा दौड़ा करके 58 ईस्वी के अंदर, ठीक है ना, 58 ईस्वी के अंदर शकों को मतलब दौड़ा दौड़ा करके मारा, इतना याद रखिएगा। अब जब शकों को उसने दौड़ा के मारा और उज्जैन से बाहर खदेड़ दिया, तो इस प्रशंसा के लिए उसने एक उपाधि धारण की और वो उपाधि थी बच्चों यहाँ पे विक्रमादित्य, ठीक है ना। यानी कि जब शकों को दौड़ा करके मारता है तो वो उपाधि धारण करता है कौन सा, विक्रमादित्य, ठीक है ना, विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है। और इसी समय उसने विक्रम संवत चलाया बच्चों, याद रखिएगा कौन संवत, विक्रम विक्रम संवत बच्चों, ठीक है ना, विक्रम संवत संवत विक्रम संवत वो चलाता है बच्चों, ठीक है।
जो वो राजा था उसने क्या किया, उज्जैन के अंदर शकों को न रोका बल्कि उसको हराया, और हराने के बाद विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और विक्रम संवत जो है उसने स्टार्ट किया इस दिन से। और आपको याद होगा कि अब तक पूरे भारत में 14 बार जो है 14 लोगों ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, और उसमें से एक प्रमुख जो है चंद्रगुप्त द्वितीय, बच्चों गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी क्या किया था, विक्रमादित्य का एक कह सकते हैं उपाधि धारण की थी, और 14 लोगों ने, याद रखिएगा संख्या कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा विक्रमादित्य की उपाधि कितने लोगों ने, तो 14 लोगों ने धारण की थी। अब तक भारत में 14 लोगों ने धारण की है, सबसे प्रमुख गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय हैं बच्चों, याद रहेगा। अब याद रखिएगा एक बात को, यहाँ से जब हम आगे बढ़ेंगे बच्चों तो आगे के क्रम में आप देखेंगे, यहाँ पे जहाँ ध्यान से देखिएगा, आगे के क्रम में अगर आप देखेंगे, यहाँ देखिए आगे के क्रम में आप देखना चाहेंगे बच्चों, तो इसका जो है सबसे प्रतापी शासक, ठीक है ना, शक वंश का कह सकते हैं, शक साम्राज्य का सबसे प्रतापी शासक जो था वो रुद्र दामन था बच्चों, ठीक है ना, रुद्र दमन, ठीक है, दामन भी कहते हैं कहीं, रुद्र दमन भी कहते हैं, तो आप याद रखिएगा रुद्र दामन था बच्चों, ठीक है ना। सबसे प्रतापी शासक जो था शक का, शकों का, वो था रुद्र दामन, ठीक है बच्चों। और इसी रुद्र दामन ने जो कह सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी घटनाओं के लिए कह सकते हैं कि जितनी भी भारत के अंदर बहुत सारी प्रशासनिक इकाइयाँ, बहुत सारी सांस्कृतिक इकाइयाँ, इन सब के जिम्मेदार भी कौन रहता है, रुद्र दामन ही होता है बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ तक जो है सारी चीज़ें आपको कंप्लीट हो चुकी होंगी। चलिए अब जो है हम बात करेंगे, जब शकों का यहाँ पर क्या होता है कि बच्चों शक जो है, शकों के बाद आते हैं कौन, यहाँ पे पार्थियन, जिसका नाम हमने पहलो रखा था बच्चों, ठीक है ना। तो याद रखेंगे कि सबसे जो है कह सकते तीसरे नंबर पे जो आने वाले थे बच्चों वो पार्थियन थे। तो पार्थियनों के बारे में भी जरा हम जानकारी यहाँ पे इकट्ठा कर लेते हैं कि पार्थियनों ने किस प्रकार से क्या क्या किया, ठीक है बच्चों। लेकिन देखिए पार्थियनों के बारे में केवल एक चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है, कि एक चीज़ में क्या याद रखना है पार्थियन के बारे में, जिनको हम क्या कहते हैं, पहलव भी कहते हैं बेटा, ठीक है ना। इनके बारे में याद रखिएगा, संत थॉमस जो है ईसाई धर्म के जो कह सकते हैं कि प्रचारक थे, वो इसी के काल में आए, इन्हीं के काल में, पहलों के काल में आने वाले कौन है, संत थॉमस। इसके अलावा आप कुछ भी नहीं याद रखना है, केवल ये याद रखिएगा कि शकों के बाद आते हैं ये, ठीक है ना, शकों के बाद आते हैं, और संत थॉमस जो है वो इन्हीं के काल में जो है वो आते हैं भारत के अंदर, जो कि ईसाई धर्म के प्रचारक थे बच्चों, याद रहेगा इसको, बस याद रखिएगा। अब चलते हैं अपने इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जहाँ से क्वेश्चन बहुत बार बार पूछता है, वो है बच्चों कुषाण वंश, ठीक है ना। अब आ जाएंगे हम लोग कुषाण वंश के ऊपर, ठीक है ना, कुषाण शासक जो आए थे बच्चों उनके ऊपर आ जाते हैं, और उनकी जो भी कह सकते हैं कि धार्मिक राजनीतिक जो भी इकाइयाँ हैं उनके बारे में जानेंगे, ठीक है बच्चों। और एक बात याद रखिएगा यूनानियों के बारे में, थोड़ा सा एक चीज़ छूट गया था यूनानियों के बारे में बेटा, लिख लीजिएगा हेलेनिस्टिक क्रिया, हेलेनिस्टिक आर्ट जो है, हेलेनिस्टिक आर्ट, ठीक है ना, हेलेनिस्टिक जो है आर्ट या कला कह सकते हैं, हेलेनिस्टिक कला जो है वो किसके द्वारा लाया गया था, ये यूनानियों के द्वारा लाया गया था बच्चों, ठीक है ना, यूनानियों के द्वारा, जो हिंद यूनानी थे बच्चों, हेलेनिस्टिक कला जो है इनके द्वारा ही लाया गया था, जिनको बाद में चल करके गंधार कला का रूप दे दिया गया बच्चों, ठीक है ना। तो हेलेनिस्टिक कला जो है वो यूनानियों के द्वारा लाया गया था, जो बाद में चल करके गंधार कला का क्या करता है बच्चों, रूप ले लेता है, याद रखिएगा इन चीज़ों को। अब बात करते हैं यहाँ पे हम कुषाणों की बच्चों, ठीक है ना। अब जब कुषाण आते हैं, ठीक है, कुषाणों की जब बात करेंगे बेटा, कुषाण जब आते हैं तो इनको भारत के अंदर कभी कभी मध्य एशिया के शासक भी कहा जाता है, ठीक है ना। क्यों मध्य एशिया का शासक कहा जाता है, जरा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये ऐसे शासक थे जिन्होंने मध्य एशिया के साथ साथ पूर्व कैसे जो पूर्व सोवियत संघ है उस पे भी अपना शासन जमा करके रखा था, ठीक है ना। मतलब जो इनका साम्राज्य था मध्य एशिया से लेकर के जो आज का जो है रूस है, रूस कह सकते हैं, तो उस समय का जो सोवियत संघ था बच्चों, उस सोवियत संघ तक जो है इनका क्या था, अपना राज हुआ करता था, ठीक है। सोवियत संघ के साथ साथ जो है अफगानिस्तान से होते हुए और ये पाटलिपुत्र तक, ठीक है ना, जहाँ पे पटना है बच्चों, आज का जो पटना है उसे पाटलिपुत्र कहते थे, इन सारे के सारे राज्यों में क्या था, इन सारे क्षेत्रों में जो है वो इन्हीं का राज हुआ करता था, ठीक है, कुषाणों का। अब याद रखिएगा कुषाणों का जो राज है इतना तो था ही, इस बात को तो आप याद रखेंगे।
और कह सकते हैं कि अपने राज्य के आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए बच्चों इन्होंने क्या किया था कि जो सिल्क रूट था, चाइना ने जो रेशम मार्ग अपनाया था, वो रेशम मार्ग इन्हीं के साम्राज्य से होकर के जाता था। ठीक है, जब इनके साम्राज्य से होकर के जाता था तो इन्होंने कह दिया कि भैया देखो, जो भी व्यापारी इधर आएगा वो हमको टैक्स दे करके जाएगा। ठीक है, बिना टैक्स दिए जाओगे तो हम तो लफड़ा कर देंगे। ठीक है बच्चों, इसलिए कह सकती है इसका जो मेन आय का स्रोत था वो कहीं ना कहीं सिल्क रूट हुआ करता था, और व्यापारियों को उस पैसे के, उस कर के एवज में ये सुरक्षा मुहैया कराता था बच्चों। ठीक है ना, दूसरी चीजें आप कह सकते हैं इसने अपने राज्यों को क्या किया था, वो बांट दिया था बच्चों। ठीक है, अपने राज्यों को बांटने के बाद उन राज्यों में जो है राजकुमारों के द्वारा शासन करवाया। ठीक है, और उनसे जो है वो पैसे लिया करता था। जैसे कि मान लीजिए हमारे यहाँ जो भारत है, भारत को ही कई राज्यों में बांटा गया है, वहाँ पे राज्यों में जो है मुख्यमंत्री शासन करता है, और मुख्यमंत्री जो शासन करता है कह सकते हैं कि वहाँ पे जो व्यवस्था थी, यहाँ पे मुख्यमंत्री केंद्र को पैसा नहीं देता है बल्कि केंद्र मुख्यमंत्री को देता है, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं था। कुषाण वंश में जो राज्यों के शासन करता थे बच्चों, वो क्या करते थे, कुषाण वंश का जो मेन राजा हुआ करता था, जो सम्राट हुआ करता था, उसको ला करके ये लोग पैसा दिया करते थे। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, तो कुषाणों के बारे में आपको याद रखना है कि योची कबीले से संबंधित थे। कुषाण वंश जो था मध्य एशिया की एक जनजाति हुआ करती थी, योची कबीला बच्चों। ठीक है ना, योची कबीला बच्चों। ठीक है ना, याद रखिएगा योची कबीला। ठीक है, योची कबीला, ये योची कबीला जो है बच्चों पांच जनजातियों में बटा था, और इन पांच जनजातियों में बच्चा एक थे कुषाण। क्या थे बच्चों, एक कुषाण हुआ करते थे, इन पांच जनजातियों में एक कुषाण हुआ करते थे, और इन्होंने अपनी राजधानी जो है, अपनी राजधानी जो है बच्चों, याद रखिएगा राजधानी, पहली जो राजधानी है, दो राजधानियां हुआ करती थी बच्चों, पहली जो राजधानी है याद रखिएगा, पहली राजधानी जो थी बच्चों वो पुरुषपुर में थी, पुरुषपुर। अब आप कहेंगे ये पुरुषपुर क्या है, आज का जो पेशावर है ना, पेशावर जो है बच्चों, आज का पेशावर उस समय पुरुषपुर हुआ करता था। और आप कहेंगे कुषाणों की दूसरी राजधानी कहाँ पे है, दूसरी राजधानी बच्चों, तो कह सकते हैं जो दूसरी राजधानी है वो मथुरा में है। ठीक है बच्चों, मथुरा में थी, है नहीं, मथुरा में थी। यानी कि यहाँ पे देखने को मिला इनकी दो राजधानियाँ थी, पूछ सकता है पहली राजधानी कहाँ थी, पुरुषपुर जो आज का पेशावर है, दूसरी राजधानी मथुरा के अंदर है। इतना जो है आपको याद ही रखना है। और एक बात और याद रखिएगा, कोई इस वंश का सबसे प्रतापी शासक, ठीक है ना, सबसे महान शासक या सबसे प्रतापी, ठीक है ना, इस काल का, ठीक है ना, सबसे सबसे महान महान शासक जो था, शासक बेटा वो कौन था, कनिष्क था, याद रखिएगा कनिष्क। ठीक है ना, यानी कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक जो था वो कनिष्क हुआ करता था। और ये जो कनिष्क था इसके बारे में आपको बहुत सारी चीजें याद रखनी है बच्चों। ठीक है ना, कनिष्क के द्वारा जो है 78 ईस्वी के अंदर, याद रखिएगा बच्चों, कब, 78 ईस्वी के अंदर कनिष्क के द्वारा, ठीक है ना, 78 ईस्वी के अंदर कनिष्क के द्वारा बच्चों शक संवत चलाया गया। कौन सा संवत बच्चों, शक संवत, ठीक है ना, शक संवत जो है वो चलाया गया। इस संवत को बच्चों आज भी भारत सरकार मान्यता देती है बच्चों। ठीक है ना, भारत सरकार जो आज जिस संवत से काम करती है वो कौन सा संवत है बच्चों, शक संवत है, याद रखिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि विक्रम संवत कब स्टार्ट हुआ, शक संवत कब स्टार्ट हुआ, गुप्त संवत कब स्टार्ट हुआ, तो आपको याद रखना है कि 78 ईस्वी के अंदर शक संवत और 58 ईस्वी के अंदर जो है विक्रम संवत बच्चों। ठीक है ना, इस चीजों को आपको याद रखना है। ठीक है, अब जो है हम इसे मिटा देते हैं, याद रखिएगा जरा ध्यान से। अब आपके दिमाग में बच्चों बहुत सारी चीजें आ रही होंगी, ठीक है ना, क्योंकि अब जितना भी कनिष्क से संबंधित चीजें हैं, जितना भी फैक्ट है बच्चों, उन सारी चीजों को हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे लर्न कर लेंगे, और ये सारा जो चीज है आपके एग्जाम में पूछे जाने वाली चीजें हैं बच्चों। ठीक है ना, अब समझिएगा जरा, कनिष्क के बारे में या कनिष्क के राजवंश के बारे में, कनिष्क के प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में, ठीक है ना, इनके बारे में जब हम जानकारियां इकट्ठा करते हैं बच्चों, तो याद रखिएगा कि अगर आप देखेंगे तो चतुर्थ बौद्ध संहिता जो है वो कनिष्क के काल में ही हुई थी। ठीक है ना, पहला फैक्ट है, आप लिखिएगा चतुर्थ बौद्ध संहिता। ठीक है बच्चों, बौद्ध संहिता जो है बच्चों वो किसके काल में हुई थी,
वो हुई थी बेटा, पहले तो आप लिख लीजिएगा 98 ईस्वी के अंदर हुई थी। और काल किसका चल रहा था, तो कनिष्क का चल रहा था, कनिष्क, ठीक है ना, कनिष्क काल था। और ये बौद्ध संहिति हुई कहाँ पे थी, कश्मीर के अंदर, जो कुंडल कुंडल वन है बच्चों, ठीक है ना, कुंडल कुंडल वन, ये कहाँ पे है, कश्मीर के अंदर है बच्चों, ठीक है ना, कश्मीर के अंदर है बेटा आपका कुंडल वन। और यहाँ पे चतुर्थ बौद्ध संहिति हुआ करता था, ठीक है ना। और इसी चतुर्थ बौद्ध संहिति में जो है बौद्ध धर्म बेटा क्या हो चुका था, दो संप्रदायों में विभाजित हो चुका था, जिनमें से एक संप्रदाय था महायान, ठीक है ना, महायान संप्रदाय था बच्चों। मैंने आपको वो बौद्ध धर्म में दोनों संप्रदाय के बारे में बता दिया था, एक हीनयान था, एक महायान था बच्चों, ठीक है ना। महायान क्यों कहा गया, उसमें से देखिए क्या था, जो कुछ भिक्षुक थे बच्चों, अब वो क्या करने लगे कि सोने चांदी उपहार में लेने लगे, और उन्होंने भिक्षुक की जिंदगी छोड़ करके उन्होंने गृहस्थ की जीवन अपना लिया, और इसी को क्या कहा गया बच्चों, महायान संप्रदाय कहा गया, ठीक है ना। और इसी का जो कट्टर समर्थक था वो कनिष्क था बच्चों, ठीक है, कनिष्क जो था वो महायान संप्रदाय का क्या था बच्चों, अनुयायी था। आप कह सकते हैं कनिष्क जो है अनुयायी किसका था, वो महायान, महायान संप्रदाय का बेटा क्या था, ये अनुयायी हुआ करता था। इस चीज को आपको याद रखना है। दूसरी चीज आपसे पूछेगा, अश्वघोष एक महान कवि थे बच्चों, ठीक है ना, या फिर कवि जो थे, कवि इसके शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में जो महान कवि थे वो थे बेटा अश्वघोष, ठीक है ना, अश्वघोष। और इनकी रचना क्या है, बुद्ध चरित बच्चों, ठीक है ना, क्या है रचना बच्चों यहाँ पे, बुद्ध चरित, ठीक है, अश्वघोष की जो रचना है बुद्ध चरित है। और आपको और भी अगर देखेंगे तो इन्हीं के शासनकाल में एक जो थे वैद्य थे, उनका नाम था चरक, ठीक है, एक वैद्य हुआ करते थे बेटा, वो क्या है वैद्य, उनका नाम है चरक। और इनकी भी एक पुस्तक थी चरक संहिता, चरक संहिता याद रखिएगा, चरक संहिता। और इन्हीं